मैं भी कभी रास्ते पे ताली बजा के चार पैसे कमा लेती थी, या कभी मुझे नहीं खाना मिलता तो बदन बेच के आती थी। रात रात भर मैं हाईवे पे जाके अपना पेट भरने के लिए पैसा कमाती थी। लेकिन आज मैं खुश हूँ, कोई भी अच्छा काम करने के लिए जब निकलता है तो पैर खींचने वाले 100 लोग होते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ हमारी सरकार से। हमें देख लीजिए, आज हम ट्रांसजेंडर किन्नर समाज, हमारा जो समाज है आज हम बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है, हमें विश्वास दिलाया है कि हम इसी आंगन के इसी गली के लोग हैं। नहीं तो हमें अभी तक लगता था कि हम तो कहीं बाहर से हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है उससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। हम लोग बहुत ब्राइट में हैं और बहुत अच्छे हैं। आज जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमारी सरकार कर रही है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनके साथ हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ और माता गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए हैं। पर इनके बारे में मैं कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, कोई परिचय बताऊँ। मैं इनका परिचय मैं चाहूँगी कि ये खुद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए। जय हो, मैं हूँ पवित्रा नंदगिरी और मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। और ये सभी मेरे जो बहनें हैं ये सभी अपने अपने स्टेट के और अपने अपने शहर के महामंडलेश्वर हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 5 साल पहले भी यहाँ आ चुकी थी। हमारा हमेशा पिचास मोशन घाट पे हम किन्नरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तो उसके उपरांत जब मैं यहाँ आने लगी हूँ, और हमारा जो अभी मैं किसी पार्टी की तरफ से तो नहीं हूँ, लेकिन जितना हमारे मोदी जी ने हमारे लिए किया है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और यूपी के जो सीएम हैं योगी जी, उन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया है बनारस में। बनारस के रास्ते हम देखते हैं या घाटों पे जाते हैं या मंदिर, आज हम सारी दुनिया बहुत खुश है कि आज हमारा जो काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो पूरी तरह चेंज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। पहले जितनी दिक्कतें हम लोगों को होती थी मंदिर में दर्शन करने की, या हम लोगों को दर्शन नहीं होता था, लेकिन आज मैं गई तो मुझे एकदम से सुकून मिला कि जिस रास्ते से मैं चल रही थी ऐसे लग रहा था काश ये और बहुत साल पहले अगर ऐसे रास्ते होते तो और हमारे काशी विश्वनाथ और कहीं होते। पवित्रा जी, मेरा सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत चेंजेस और डिफरेंसेस के आपने बारे में बताया। मैं सवाल पूछूंगी, यहाँ पे विपक्षी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार बदल जानी चाहिए क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ गुंडा राज फैला रहा है, क्योंकि ये भगवा का सरकार है और यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। भगवा का राज तो रहेगा क्योंकि हम हिंदू सनातनी है और हमारा हिंदू देश है और हमारा हिंदू, मैं नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे पहले जैसा जीवन, हमारे जो गोर गरीब है लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज है, वो जिए। लेकिन जो हम लोग जिस तरीके से चल रहे थे या जिस जो हमारा राज चल रहा है वो सबसे अच्छा है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए जब निकलता है तो पैर खींचने वाले 100 लोग होते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ हमारी सरकार से। हमें देख लीजिए, आज हम ट्रांसजेंडर किन्नर समाज, हमारा जो समाज है आज हम बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है, हमें विश्वास दिलाया है कि हम इसी आंगन के इसी गली के लोग हैं। नहीं तो हमें अभी तक लगता था कि हम तो कहीं बाहर से हैं, हमारा तो कोई दुनिया ही नहीं है, हमारे खुद के माँ बाप नहीं हैं। हम जो गली से निकलते भी थे तो लोग हमें, समाज जो है वो हमें कितना डिस्क्रिमिनेशन करता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुश हैं हमारी गवर्नमेंट से, हमारे लोगों से, जितने भी इस राज में काम कर रहे हैं। और अच्छा काम करते हो तो सभी लोग बोलेंगे बुरा है। आज मैं भी अच्छा करती हूँ तो मेरे ही लोग मेरे पैर खींचते हैं, पीछे पलट के मैं देखती हूँ तो कोई ना कोई खींचते रहता है, तो हम ध्यान नहीं देते। जो हो रहा है हमारे देश की उन्नति वो बहुत अच्छी है, और विशेष करके बनारस, पहले बनारस में हम देखा करते थे, मैं बहुत बार स्कूटी से घूमती थी यहाँ पर। मैं तो बॉम्बे रहती हूँ, मैं उज्जैन की महामंडलेश्वर हूँ, तो मैं जब स्कूटी से घूमती थी तो इतनी धूल, इतना कचरा आँखों में जाता था, ट्रैफिक इतना एकदम बुरी तरह बेकार था, ऐसा लगता था कि पूना मुंबई में ठीक है। लेकिन आज हम जिस स्थिति देख रहे हैं, जो विश्वास यहाँ पे आया है वो एकदम से एकदम बहुत अच्छा काम हुआ है, और सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। पवित्रा जी, अभी आपने सनातन धर्म की बात की तो मैं पहली बार सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जहाँ पे सरकार, एक तरफ ही बहुत अच्छी बात है कि ये सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है ट्रांसजेंडर को भी उन्होंने माना है, उनका एक बहुत बड़ा एक ओहदा दिया है। जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमें गलत नज़रों से देखा जाता था, और अब आपको एक स्थान मिली है। लेकिन वहीं आपने सनातन धर्म की बात की है तो सनातन धर्म को कितना मानती है ट्रांसजेंडर ये समुदाय? सनातन धर्म को तो हम सभी मानते हैं, हम सभी सनातनी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथ सिचुएशन होती रही, समाज ने इतने अत्याचार किए हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारा पेट पालने के लिए हमें कभी धर्म बदलना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा। तो आज कहीं ना कहीं वापस हम हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी में वापस आए हैं। आज हमारा किन्नर अखाड़ा, कहीं सालों से बहुत लोग, हमारे हिंदू बच्चे कभी अलग अलग धर्म
धर्म को ले रहे थे, कबूल कर रहे थे, या क्योंकि हमारा पेट पालना है ना, क्योंकि अगर मैं रास्ते पे निकलूँ, मेरे माँ बाप ने अगर मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा तो पेट पाने के लिए कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए, तो मुझे भी जीना है जैसे आम पब्लिक जीती है। तो वैसे लोगों ने कुछ धर्म, इस धर्म में मैं जाऊँगी तो मेरा अच्छा होगा, लेकिन सनातन धर्म जो है उससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। हम लोग बहुत ब्राइट में हैं और बहुत अच्छे हैं। आज जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमारी सरकार कर रही है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनके साथ हैं। एक इंसिडेंट कोई आप मुझसे शेयर करना चाहेंगी, जैसे आपने अभी धर्मांतरण की बात की कि हमारे हिंदू बच्चे अलग धर्म कबूल करते हैं क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की बात आती है, तो क्या कभी कुछ ऐसी मतलब शर्मिंदगी जो उस धर्म में जाकर आपको महसूस हुई और वापस इस धर्म को अपना कर लगा? नहीं हुई, लेकिन जब हमें पता चला कि आज हम हिंदू धर्म में हैं और हम हिंदू हैं, तो हमारे यहाँ जो सुविधाएँ हमें मिल रही हैं, जो हमारी जो गरजी थी, जो हमारी मूलभूत चीज़ों की जो हमें गरज थी, वो आज पूरी हो रही, तो हमने वापस, हम लोग हमारे धर्म में वापस आके हम अपने धर्म के साथ चल रहे हैं। और ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना आपके सामने हैं आप देख लीजिए कि मैं भी कभी रास्ते पे ताली बजा के 4 पैसे कमा लेती थी, या कभी मुझे नहीं खाना मिलता तो बदन बेच के आती थी, रात रात भर मैं हाईवे पे जाके अपना पेट भरने के लिए पैसा कमाती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं आज सही जगह पे आई हूँ। आज मुझे ताली बजा के 4 लोगों के सामने मेरा पेट भरना नहीं, मुझे अपने आप ऐसी दे देते हैं लोग, क्योंकि जो सम्मान जो चाहिए उसके लिए जो लड़ाई थी आज वो हमें पूरी तरह मिल गया। सम्मान आपको बीजेपी सरकार से मिल गया? बीजेपी सरकार का नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन जिस सरकार ने हमारे लिए ये किया है उस सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें यहाँ खड़ा किया है और आपके सामने मैं माइक पे बोल रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। पवित्रा जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी। अभी मैं आपसे बात कर रही, तो आपने कहा कि यहाँ पे आप श्री कृष्ण को नहीं मानते, आप यहाँ पे शंकर भगवान को मानते हैं। कृष्ण भी शंकर भगवान ही हैं और शंकर भगवान ही कृष्ण हैं। हमारे यहाँ भगवान के लिए हमने कभी कोई पर्दा नहीं रखा है, हम सभी के भक्त हैं और सभी धर्म में एक जैसे हैं। ये तो परंपराएं हैं, ये बोलेगी कि नहीं मैं तो सखी हूँ, मैं तो सिर्फ राधा जी को मानती हूँ, ये बोलेगी नहीं नहीं मैं तो, यही सवाल चाहती हूँ मैं कि सखी का क्या है, क्या है सखी? एक है सखी जो है वो एक परंपरा है हमारे समाज में, वो सिर्फ राधा रानी खुद को समझ के वो कृष्ण का ध्यान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपना समय दिया और मैंने आपको ऐसे बीच में रोका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जय जय श्री महाकाल महादेव नमः पति पार्वती हरा।